चलो सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फटाफट मुझे बताओ क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने ए और बैंक, ये सिचुएशन आपको बताई थी। तो ए बैंक में डिपॉजिट करता है तो ए की तरफ से एंट्री क्या होगी, क्या ए की तरफ से एंट्री क्या होगी, ए क्या बोलेगा, कैश गई एंड बैंक इज रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये पहली एंट्री हो जाएगी। और दूसरा क्या, बैंक की तरफ से एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जब मैंने बैंक को डेबिट दिया तब बैंक ने हमें क्रेडिट दे दिया। तो इससे मैंने एक बात बताई कि जो ट्रांजेक्शन्स कैशबुक में डेबिट साइड पे दिख रहे हैं कैशबुक बैंक कॉलम के, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, पासबुक के क्रेडिट साइड पे मिलेंगे। क्लियर? तो कैशबुक के डेबिट साइड पे, तो पासबुक के क्रेडिट साइड पे। मैंने आपको पहले ही बोला जब मैं कैशबुक बोलूंगा तो मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, बैंक कॉलम के बारे में, स्पेसिफिकली बैंक कॉलम के बारे में बोल रहा हूँ। क्लियर? उसके आगे, ओके, ये होने के बाद में हमने आगे देखा कि अगर कैशबुक का डेबिट साइड कौन सा है, डिपॉजिट, कैसे डिपॉजिट है, व्हेन वी डिपॉजिट द अमाउंट देन बैंक रिसीवर, तो बैंक को हम क्या कहते हैं, डेबिट देते हैं। तो इस वजह से बैंक वो डेबिट साइड जो डिपॉजिट है, तो अगर डेबिट साइड डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड कौन सी होगी, कैशबुक की, विड्रॉल। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट कहां पे होगा, पासबुक में। तो फिर से कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, क्रेडिट साइड विड्रॉल, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉवल, क्रेडिट साइड डिपॉजिट। क्लियर? तो फिर से बताओ, कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, पासबुक की डेबिट साइड विड्रॉवल, ठीक है, बाद में पासबुक की क्रेडिट साइड डिपॉजिट, ठीक है, और कैशबुक की क्रेडिट साइड विड्रॉवल। ये क्लिकली, मतलब यहाँ पे ये क्लिक होना चाहिए इमीडिएटली, उसमें वहां पे क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आपको एक ही चीज याद होनी चाहिए, विच इज कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट, उससे तो आप आगे लिंक लगा सकते हो। बाद में हमने देखा अगर कैशबुक की डेबिट साइड डिपॉजिट है और डिपॉजिट साइड ज्यादा है तो बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या बनता है, बैलेंस, क्योंकि आपने डिपॉजिट ज्यादा किया कंपेयर टू विड्रॉल, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो वो बैलेंस है। और अगर कभी ऐसा हो कि क्रेडिट साइड ज्यादा होगी कैशबुक की, मतलब क्या, विड्रॉल साइड ज्यादा होगी, मतलब जितना डिपॉजिट किया उससे भी ज्यादा विड्रॉ किया, तो ये ओवरड्राफ्ट है। तो ये कब होता है, व्हेन क्रेडिट साइड इज हायर देन डेबिट साइड, तो कौन सा बैलेंस आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, याद है ना, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस। तो इस वजह से हमने एक रूल बनाया, डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक, पहला रूल, डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज इक्वल टू क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक, मींस बैलेंस। और दूसरा क्या था, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, इट मींस ओवरड्राफ्ट, और या अनफेवरेबल बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस। क्लियर? तो ये हमने पहले समझ लिया। उसके बाद में हमने देखा था डिफरेंस क्यों आ सकता है। ऑब्वियसली दो बुक में एंट्री हो रही, तो एक बुक कौन सा, कैशबुक बैंक कॉलम, दूसरा कौन सा, पासबुक, तो डिफरेंस आने के चांसेस है, गलती किसी एक जगह पे हो गई या फिर टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस आ गया तो हमें क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। तो उस वक्त मैंने ये भी बताया था, स्टेटमेंट है ये अकाउंट नहीं है, इसमें आप प्लस माइनस करते हो तो इसका मतलब अकाउंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? ये एक सेपरेट स्टेटमेंट बना के देखते हो कि हाँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट जो है उसमें प्लस माइनस हम कर देंगे, ठीक है। और रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है, सुलह करना, मतलब जो भी उनके बीच में जो भी हम कह सकते हैं कि डिफरेंसेस है, ओके, तो उसे हमें हटाना है। क्लियर? तो ये हम करेंगे कैसे, बीआरएस के थ्रू, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू। तो रीजन क्या है कि जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, बोलो रीजन क्या है जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है, टाइमिंग, दूसरा एरर, तीसरा फ्रॉड, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस मतलब क्या, उसमें मैंने बताया था, एरर्स का भी एग्जाम्पल बताया था, फटाफट बताओ, ठीक है, अमाउंट रॉन्गली ट्वाइस, अमाउंट ट्वाइस क्रेडिटेड इन कैशबुक, तो क्रेडिटेड इन कैशबुक, क्रेडिट साइड कैशबुक क्या होती है, विड्रॉल, विड्रॉल पे क्या हो गया, डबल, तो उससे बैलेंस क्या होगा, कम होगा, किसका, कैशबुक का। तो इस केस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कैशबुक का बैलेंस कम हो गया, अगर उसे पासबुक के साथ मैच करना है तो कैशबुक में ऐड कर देंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, कैशबुक का बेस लेंगे, ऐड कर देंगे, तो मैच हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा कोई भी वहां पे गलती हो, ठीक है। बाद में हमने कल एक पढ़ा था, 5000 रुपीज का चेक है, इट इज रॉन्गली क्रेडिटेड एज 500 इन पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब पासबुक में क्रेडिट हो गया, मतलब क्या, डिपॉजिट साइड पे, और 5000 लिखना था उसकी जगह पे क्या हो गया, 500, मतलब कितना कम लिखा, 4500, उससे क्या होगा, पासबुक का बैलेंस, डिपॉजिट साइड पे कम लिखा, क्या होगा, कम हो जाएगा ना, कम होगा, तो उसे अगर कैशबुक के साथ मैच करना हो तो ऐड करना पड़ेगा।
तो ये हमने एरर्स देखे थे, एरर्स कैसे भी आ सकते, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। एरर्स अगर होते हैं तो सिर्फ आपको साइड कौन सी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइड पे गलती हो गई, ठीक है। अगर आप देखो विड्रॉल ज्यादा दिख रहा है, विड्रॉल पे गलत लिखा गया है, ज्यादा दिख रहा है, तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस कम ही होता है। विड्रॉल साइड पे कम लिखा तो बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विड्रॉल साइड पे कम लिखा तो बैलेंस बढ़ जाता है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और डिपॉजिट साइड पे ज्यादा लिखा तो बैलेंस बढ़ेगा, डिपॉजिट साइड पे कम लिखा तो बैलेंस कम हो जाएगा, समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमने वहां पे एरर्स के लिए देखा था। आगे देखा था टाइमिंग डिफरेंस, फटाफट बताओ टाइमिंग डिफरेंस। सबसे पहला चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट तो किया बट वो क्लियर नहीं हो पाया। तो अगर चेक डिपॉजिट करके अगर वो क्लियर नहीं होता है तो ऐसे केस में क्या होगा, पहली एंट्री कहां पे होगी, कैशबुक, बराबर। डिपॉजिट की एंट्री कैशबुक में, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में एंट्री है क्या, तो पासबुक का बैलेंस कम दिखाई देगा। एक बार आपको पता चल गया बढ़ गया वो कम दिखाई देगा, आगे का तो आपको प्लस माइनस पता चलता ही है। और मैंने आपको लास्ट में बताया था, जाते हो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या करना है, क्या करना है, जो बैलेंस के हिसाब से आप आंसर निकालो प्लस और माइनस। ऐसा मान के चलो ये बैलेंस ही है और आप फाइंड आउट कर लो प्लस करना है कि माइनस करना है, और एंड में सिर्फ साइन प्लस हो तो लेस कर देना ओवरड्राफ्ट की वजह से, या फिर माइनस हो तो ऐड कर देना, क्लियर। तो उसमें आपको ज्यादा अलग तरीके से सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में हमने दूसरा पढ़ा था चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बोलो फटाफट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फटाफट बोलो। हाँ, कैशबुक क्या हो गया, कैशबुक में एंट्री होगी, एंट्री इश्यू की होगी, इसका मतलब कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है, ठीक है। पासबुक में एंट्री नहीं है तो इससे कंपेरेटिवली ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है। और बाद में आप एडलेस उस हिसाब से सोच लोगे। एडलेस तो मुझे लगता है कि एड और लेस ये यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना पड़ता, दिमाग कहां पे लगाना पड़ता है, एंट्री कहां पे हुई, इसका इफेक्ट क्या हो गया। कल इसी वजह से तो मैं बेसिक पढ़ा रहा था कि आपको ये समझ में आ जाए कि कहां पे इफेक्ट हो रहा है। बाद में प्लस एंड माइनस ये नेचुरल, इट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। अगर बैलेंस कम हो गया है उसे दूसरे के साथ मैच करना, तो आप इमीडिएटली बोलोगे ऐड कर दो। तो मेन चीज क्या समझने, कहां पे इफेक्ट होता है, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली बैलेंस बढ़ता है या कम होता है, क्लियर। उसके बाद में आगे नेक्स्ट कौन सा था, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन टू बैंक, बाद में क्या था, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, और क्या था, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। इन तीनों का अल्टीमेटली बैंक में पैसा आ गया, पहले किसे पता चला, बैंक को, पहली एंट्री पासबुक, कैशबुक में बाद में, अब पासबुक अपडेट करने के बाद में। तब तक क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा, कैशबुक का कम दिखाई देगा। तो उस तरह से आप मैच करने के लिए जो बेस आपको बताया गया है, कैशबुक का बेस बताया गया होगा तो क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि कैशबुक का बैलेंस कम दिख रहा है ना, तो उसे पासबुक के साथ मैच करना हो तो ऐड करना पड़ेगा। और अगर पासबुक का बेस लेके चलने के लिए बोला है तो क्या करोगे, लेस कर दोगे, और ओवरड्राफ्ट तो अपोजिट करोगे, क्लियर। उसके बाद में आगे क्या पढ़ा था, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, इंटरेस्ट डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, क्लियर, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक। तो ऐसी केस में, इन सभी केस में क्या होगा, तो क्या होगा, सबसे पहले एंट्री कहां पे आएगी, पासबुक, क्योंकि बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, बैंक को पता है, हमें बाद में पता चलेगा, तब तक के लिए कैशबुक में एंट्री नहीं आएगी। पासबुक का बैलेंस बोलो कम हो गया, कम हो गया, तो ऐसे केस में कंपेरेटिवली कैशबुक का बैलेंस ज्यादा दिखाई देगा, क्लियर। उसके बाद में क्या था, बिल डिस्काउंटेड बट डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंट किया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, क्या करोगे, पासबुक, पहले एंट्री कहां पे हो गई, पासबुक, क्योंकि डिसऑनर हो गया, ये बैंक को पहले पता चलेगा तो बैंक की तरफ से पासबुक में एंट्री की जाएगी, आपके अकाउंट से बैलेंस कट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा, क्लियर। और उसके बाद में एंट्री कहां पे होगी, बाद में कैशबुक में, लेकिन तब तक के लिए क्या होगा, पासबुक का बैलेंस कम, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा। ओके, तो अगर आपको पासबुक का बेस लेके चलना हो, बैलेंस कम दिख रहा हो और उसे कैशबुक के साथ मैच करना है तो ऐड करना है, क्लियर। कोई डाउट नाउ, पक्का ये समझ में आ गया, कोई डाउट, मतलब लॉजिकली कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपल। मुझे तो लगता है इसमें आपको सिर्फ याद इतना होना चाहिए कैशबुक की डेबिट से डिपॉजिट है, उससे पूरी लिंक लग जाती है आगे की, पूरी लिंक लग जाती है। अगर आपको इतना भी समझ में आ गया कि कैशबुक की डेबिट से डिपॉजिट है तो क्रेडिट साइड विड्रॉल हो जाएगी, उसके एग्जैक्टली अपोजिट कहां पे होगा, कहां पे होगा, पासबुक में होगा, ठीक है। बाद में अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस आएगा, मतलब डेबिट साइड कौन सी है, कैशबुक की, डिपॉजिट, और डिपॉजिट ज्यादा है मतलब क्या, बैलेंस है, और क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब कौन सी, विड्रॉल है, कैशबुक की, और विड्रॉल ज्यादा है मतलब क्या, ओवरड्राफ्ट है,
तो ये लिंक लगनी चाहिए, लॉजिक है ये, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो कहते हैं वो इसे। और आप डायरेक्टली प्लस एंड माइनस का कोई अदर तरीका निकालते हो, ठीक है, तो आप शॉर्टकट ले लो, बट आप प्रॉपरली समझते हो तो अभी आपका काम हल्का हो जाएगा, जब आप देखोगे इमीडिएटली आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये सोचने के लिए हमें 5-10 मिनट देने पड़ते हैं। वो सिचुएशन सामने आ गया, क्या आ गया आपके सामने, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, इमीडिएटली क्या आ गया, एंट्री कहाँ पे हो गई, कैश हो, कैश का बैलेंस बढ़ गया, क्या करो, लेस करो। कितना टाइम लगता है, विद इन 30 सेकंड 20 सेकंड में आपका आंसर रेडी हो जाता है। तो लॉजिकली सीख लो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर, कोई डाउट है? अभी हम क्या करेंगे, विल डू वन थिंग कि हम कैशबुक और पासबुक का कंपैरिजन करेंगे। एक प्रॉब्लम ऐसा देखेंगे जहां पे कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करेंगे, वो भी तो सीखना चाहिए ना, कैशबुक को पासबुक से कैसे कंपेयर करना है। क्लियर, तो ध्यान देना, ये देखो, देख रहे हो, अभी यहां पे देखो आपके सामने क्या दिया, बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। अपने अपने हिसाब से इस चैप्टर में सिर्फ बैंक कॉलम इंपॉर्टेंट है, पूरा कैशबुक रिलेवेंट नहीं है। सो यू शुड फोकस ऑन ओनली बैंक कॉलम, क्लियरली। अभी आप देखो बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, कैशबुक की डेबिट साइड, मुझे बताए नहीं डिफरेंस क्या है, अल्टीमेटली डिफरेंस तो आया ना। देखो यहां पे बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक, वहां पे देखो टू बैलेंस कैरेट आउट दिखाया, कितना है आपके पास, है क्वेश्चन आपके पास नोट्स में, क्वेश्चन है अभी आपको दिए ना, उसमें क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो उसमें क्या लिख रहे हो, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, 1100, और वही पासबुक में देखो कितना है, 300 है क्लोजिंग बैलेंस, कितना है 300, तो डिफरेंस तो है ना। बट रीजन नहीं बताया, इतना ही बताया कि ये देखो तुम सोचो डिफरेंस क्या है। सो वी विल मेक कंपैरिजन बिटवीन कैशबुक एंड पासबुक। तो कैसे करोगे कंपैरिजन, बोलो कैसे करोगे, कैशबुक की डेबिट साइड देखेंगे और वो आइटम पासबुक के क्रेडिट साइड पे देखेंगे, बराबर, करेक्ट है। अभी आप देखो पहला कौन है, टू राम प्रसाद मिला, टू राम प्रसाद, उसे कहां पे चेक करना है, पासबुक के क्रेडिट साइड पे, अमाउंट भी चेक करनी है, आइटम और अमाउंट दोनों चेक करो, है तो कोई टेंशन नहीं, दोनों अमाउंट दोनों जगह पे, मतलब क्या इसकी वजह से डिफरेंस नहीं है। आगे बोलो, वसंत कृष्णा है, यस, बाद में देवीदास है, यस, आगे कृष्ण मुरारी, अमाउंट भी चेक करना क्योंकि गलत भी लिखा जा सकता है कहीं जगह, इस जगह पे कृष्ण मुरारी है, नहीं है, कैलाश नाथ है, नहीं है, इसका मतलब क्या बनता है, कैशबुक के डिपॉजिट साइड पर यह नाम दिख रहा है लेकिन पासबुक के डिपॉजिट साइड पे नहीं दिख रहा है, कैशबुक के डिपॉजिट साइड पे उस पार्टी का नाम दिख रहा है बट पासबुक के डिपॉजिट साइड पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या ले सकते हैं, याद कर लो टाइमिंग डिफरेंस में आपको कौन सा लगता है ज्यादा सुटेबल है, चेक डिपॉजिटेड, क्योंकि देखो चेक इशूड नहीं, इशूड नहीं, इशूड क्रेडिट साइड पे आएगा, पेमेंट साइड पे, ओके, डिपॉजिटेड डिपॉजिट साइड पे लिख रहा है ना, तो चेक डिपॉजिट किया किसके नाम, किसने दिया था चेक, कृष्ण मुरारी और कैलाश नाथ, इनका चेक जैसे डिपॉजिट किया वैसे हमने बैंक कॉलम में एंट्री कर दी अपने कैशबुक में, लेकिन वो एंट्री किस कहां पे नहीं आई, पासबुक में, क्यों, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। अभी आप दूसरा कुछ लगा के देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, तो वो तो पासबुक में पहली एंट्री आनी चाहिए ना, बाकी कुछ यहां पर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर सबसे बेस्ट क्या है, बेस्ट क्या मतलब सही क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। अभी आपको क्या करना है, 20 and 29 के जो ट्रांजेक्शन है, कौन सा, कैशबुक में कृष्ण मुरारी और कैलाश नाथ, कैशबुक में इन दोनों को एक ब्रैकेट बनाना है साइड में, समझ में आ रहा है, साइड में, और क्या लिखना है वहां पे, चेक डिपॉजिटेड, रीजन लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट लिखा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, लिखो, लिखना है प्रॉपरली वहां पे। आगे एक एक पॉइंट निकालते हुए जाएंगे। अभी आप बोलोगे देखो सर बैलेंस का कंपैरिजन करो 1100 और 300, ये डिफरेंस तो हमें निकालना है भाई, वो लास्ट में पता चले किस वजह से डिफरेंस से मैच होता है नहीं होता है, अभी तो सिर्फ हम आइटम्स कंपेयर करें,
क्लियर। आप बोलोगे सर बैलेंस में भी डिफरेंस है, अरे वो तो बाद में मैच हो जाएगा ना बीआरएस में, इसी के लिए बीआरएस बना है। आगे देखो अभी क्या करोगे, अगला क्रेडिट साइड को डेबिट साइड से कंपेयर करो। क्लियर, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो कैशबुक में डेबिट साइड पे नहीं है वो पासबुक में क्रेडिट साइड पे हो सकता है ना, वो भी चेक कर लो। चलो पासबुक के क्रेडिट साइड पहले चेक कर लो, आगे बढ़ने से पहले क्या कह दिया है, राम प्रसाद था, वसंत कृष्णा था, देवीदास था, सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड बिल्स कलेक्टेड, ये क्या है, ये पासबुक में डिपॉजिट साइड पे है लेकिन कैशबुक में नहीं है, इसका मतलब क्या बनता है, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, डायरेक्टली डिपॉजिट बैंक में हो गए ना ये, तो इन दोनों आइटम को पासबुक के क्रेडिट साइड पे दोनों आइटम को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक। क्लियर, क्योंकि ये कहां पे दिख रहा है पासबुक के क्रेडिट साइड पे, मिला। आगे हाँ आगे बोलो क्या, अभी क्या करो, हमने दोनों तरह से किया, कैशबुक की डेबिट साइड पासबुक की क्रेडिट साइड के साथ, और पासबुक की क्रेडिट साइड भी कैशबुक की डेबिट साइड के साथ, ठीक है, दोनों तरह से देखा। अभी क्या करना है, कैशबुक की क्रेडिट साइड पासबुक की डेबिट साइड, चलो फटाफट कैशबुक की क्रेडिट साइड पे पहले क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2500 है क्या, यस, बाय रामचंद्र 2000 है, हाँ है ना, सभी लोग बोलेंगे यस। आगे बाय साईनाथ है क्या डेबिट साइड पे, 2 साईनाथ है, अमाउंट भी चेक कर लेंगे, बाय ड्रॉइंग्स है क्या, यस yes. आगे बाय सैलरी है, बाद में बाय घनश्याम नहीं है, मतलब घनश्याम कहां पे दिख रहा है नाम, कैशबुक के क्रेडिट साइड पे, पासबुक के डेबिट साइड पे नहीं है, ठीक है, क्या मतलब बनता है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, क्योंकि ये कैशबुक के क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, मतलब पेमेंट तो दिखाई दे रहा है बट पासबुक में नहीं, मतलब वो पेमेंट हुआ नहीं है। अभी उल्टा उल्टा भी देखो, उल्टा मतलब क्या, पासबुक की डेबिट साइड कैशबुक के क्रेडिट साइड के साथ, देखो क्या सैलरी तक पहुंचे थे हम, एंड में क्या दिख रहा है पासबुक में डेबिट साइड पे, सब्सक्रिप्शन टू क्लब, LIC प्रीमियम और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये सभी कहां पे दिख रहा है, पासबुक के डेबिट साइड पे दिख रहा है लेकिन कैशबुक में ये थे ही नहीं, इसका मतलब पासबुक के डेबिट साइड पे दिख रहा है मतलब ये विड्रॉल्स है, पेमेंट्स है, लेकिन वो पेमेंट्स कैशबुक के क्रेडिट साइड पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, लिख देना वहां पे डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। तो हमारे पास चार रीजन आ गए आपके सामने, चार रीजन कौन से आ गए, पहला चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, दूसरा आ गया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तीसरा आ गया डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, ओके, और चौथा क्या था, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। तो ये सभी आपके सामने चार आ गए। अभी सबसे पहले मुझे स्टार्ट करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि उस अकाउंट में बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है, क्लियर, तो बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है ये देखना पड़ेगा, क्लियर। तो बैठते हो थोड़ा सा अंदर बैठते जाओ, मतलब कोई अगर बाद में आता है ना तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वैसे ठीक है, हाँ चल, उल्टा अंदर मजा आना चाहिए ना, हाँ ऐसा खोपचे में, हाँ ठीक है, तो हाँ बोलो कौन, हाँ वो वहीं पे ही है, मैं कहाँ पे लेके बैठूँ, पीछे ही है वो, हाँ गया बंद है, गया बंद है वो फैन, ठीक है मैं बता दूंगा रिपेयर करने के लिए, शो शो जी आगे। तो ये हमने कंपैरिजन कर लिया, ओके, उसके आगे अभी सबसे पहले बात चेक करने वाली ये है कि उन्होंने कुछ बोला है क्या, क्या किसके बारे में, कि कैशबुक से स्टार्ट करना है या पासबुक से, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला, तो आप किससे स्टार्ट करोगे, कैशबुक का बेस लेके, कैशबुक में बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, ये अगला आपका काम है,
कैश बुक में बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है, ये आपको सोचना है, ये आपका अगला काम है। ओवरड्राफ्ट है कैसे पता चला? अगर देखो क्या दिख रहा है, डेबिट साइड पे डिफरेंस दिख रहा है, कंफ्यूज मत होना, डेबिट साइड पे दिख रहा है कैश बुक के डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैश डाउन, बट वो टोटल के नीचे कहां पे आने वाला है, क्रेडिट साइड पे। और डेबिट साइड पे डिफरेंस आ गया मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो क्रेडिट जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, तो कैश बुक की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, और कैश बुक को क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्या है, ओवरड्राफ्ट है। तो हम स्टार्ट करें ओवरड्राफ्ट से, लेकिन याद रखना जब मैं सोचूंगा एड लेस का पहले बैलेंस से सोचूंगा और एंड में साइन चेंज कर दूंगा, क्लियर? तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे फटाफट, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज लिखा, स्टार्ट कहां से करेंगे, नहीं ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं, ओवरड्राफ्ट एज पर कितना है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया है प्रॉब्लम में, हाँ कितना है प्रॉब्लम देखो ना, क्या 1100, 2000 कहां से मिला, 1100 उतना ही है ना, बाद में क्या ऐड, ऐड के आइटम्स अलग लिखेंगे, उसके नीचे तीन चार लाइन छोड़ दो, उसके बाद में लेस तीन चार लाइंस छोड़ दो, जो आइटम ऐड करने हैं वो एक के नीचे एक लिखेंगे, लेस करने वाले एक के नीचे एक लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता चला था, एक एक जो जो पता चल गया था ले लो, क्या पता चला था, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, अभी मत सोचो कि बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, अभी नॉर्मल सोचो, अगर चेक डिपॉजिट किया तो पहले एंट्री कहां पे आ गई, कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, अगर बढ़ गया तो क्या कहेंगे, बढ़ जाता है बैलेंस तो क्या कहते हैं, लेस, तो जनरली लेस करना है, बट यहां पे क्या है ओवरड्राफ्ट, तो क्या कहेंगे ऐड, ठीक है। तो चेक बट नॉट क्लियर्ड और कलेक्टेड कितना है, दो है ना, नाम क्या है, कृष्ण मुरारी एंड कैलाश नाथ, दोनों का अमाउंट बता दो, मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, पहले कितना 1500 प्लस 1000 कितना आता है 2500। अगला जो आपको पता है वो बता देना, अगला क्या पता है, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, चेक इश्यू तो किया बट क्लियर नहीं हुआ, चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर, तो फटाफट बताओ चेक इश्यू किया पहली एंट्री कहां पे हो गई, कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे भाई, उससे अगर पासबुक के साथ मैच करना हो तो ऐड करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट, एक ही है क्या, ये दो है, एक ही है ना घनश्याम ना, कितना है वो 1800। अबे आगे अगला पॉइंट आपको क्या बताया, डायरेक्ट डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, अभी डायरेक्ट कलेक्शन किया मतलब पहली एंट्री कहां पे आ गई, पासबुक, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, तो अभी क्या कर, देखो मुझे कैशबुक का बेस लेके चलना है ना, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो कैशबुक का कम दिख रहा है, मतलब पहले तो बढ़ गया कम हो गया ये बात पे आ जाता है, ठीक है, तो कैशबुक का पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया तो कैशबुक का कम दिख रहा है, तो अभी क्या करेंगे कैशबुक में ऐड करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे लेस, डायरेक्ट क्या है कलेक्शन बाय बैंक कितना है, दो आइटम है 1500 प्लस कितना आता है, एंड लास्ट वाला डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक क्या होगा,
मतलब डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पासबुक में सोचो क्या हो गया, बैलेंस कम हो गया, बैलेंस कम हो गया तो कैशबुक में क्या हो गया, नहीं कैशबुक, देखो कैशबुक का बेस लेके चल रहे हैं तो हमें कैशबुक तक पहुंचना है पहले तो। अगर पासबुक में एंट्री हो गई डायरेक्ट पेमेंट की तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन ये एंट्री कैशबुक में नहीं है तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना, ज्यादा दिखाई देगा तो क्या कहेंगे, लेस कहेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड कहेंगे। कितना है, तीन तीन आइटम है ना, कौन कौन से, 100 प्लस कितना होता है, तो हो गए चार आइटम। चलो अभी क्या करना है, ऐड वाले आइटम जो है दो दो आइटम थे 2500 300, तो टोटल ऐड कितना करना है 2800, तो आ जाता है 3900। और उसमें से क्या किया, लेस वाले आइटम दो है 1800 1800 के दो है, मतलब टोटल कितना होता है 3600, तो बचता कितना है 300। तो इसका मतलब क्या, ये क्या आया, ओवरड्राफ्ट एज पर। मुझे कैसे पता चला कि ओवरड्राफ्ट ही है, कलेक्शन के बाद में हो सकता है ना कि स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से बैलेंस ही आ गया, ऐसा भी हो सकता है ना, क्या नेगेटिव बैलेंस आता तो ओवरड्राफ्ट नहीं होता, परफेक्ट। मतलब ध्यान दो ये बात ठीक से समझना, मैंने स्टार्ट किया था ओवरड्राफ्ट से और अभी आपका आंसर जो आया वो माइनस में नहीं आया, मतलब स्टिल वी आर देयर, ओके, या हम कंटिन्यू क्या करें, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया था अभी भी आंसर प्लस में ही है, मतलब ओवरड्राफ्ट ही चल रहा है। अगर ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया होता और आंसर निगेटिव में आता, मतलब यह आंसर अगर माइनस में आता, मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल ऊपर का, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ऊपर का 3600 होता और माइनस करने वाला 3900 होता, तो ये आंसर कैसे आया, माइनस में ना, 3600 माइनस 3900 तो माइनस में, तो इसका मतलब क्या हो जाता, मैंने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया और आंसर माइनस में आया, तो ये साइन चेंज हो गई, ओवरड्राफ्ट की जगह पे क्या हो गया, बैलेंस आ गया। मैंने क्या बोला वो समझ में आ गया। अभी आप मुझे बताओ, ध्यान दो, मैं दूसरे सिचुएशन बोलता हूं, अपने बैलेंस से स्टार्ट किया आंसर प्लस में, लास्ट आंसर प्लस में, मतलब क्या है, बैलेंस ही है, अपने बैलेंस से स्टार्ट किया था लास्ट का आंसर, कैशबुक से स्टार्ट किया तो हम किसके बैलेंस की तरफ पहुंचेंगे, पासबुक के, और कैशबुक से स्टार्ट किया और पासबुक तक प्लस ही आंसर है, तो वही सेम है ना सिचुएशन, मतलब बैलेंस से स्टार्ट किया और आंसर प्लस है तो बैलेंस ही बचेगा, बैलेंस से स्टार्ट किया बट एंड का आंसर माइनस में आया है तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया आंसर प्लस में है, ओवरड्राफ्ट ही है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया आंसर माइनस में है, बैलेंस, मतलब आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब क्या, जो सिचुएशन चल रही थी वो तो रिवर्स हो गई, प्लस एडिशनल कुछ वहां पे अमाउंट आ गई, क्लियर। तो इस वजह से यहां पे ओवरड्राफ्ट, यहां पे ओवरड्राफ्ट ही है एज पर पासबुक, ये क्या होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। क्लियर, कोई डाउट नो, पक्का क्लियर, समझे। वो सिर्फ एक रूल याद रखना कि अगर आपने ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया वो प्लस आंसर है तो ओवरड्राफ्ट ही है, ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट किया आंसर लास्ट वाला माइनस में आया, मतलब वो बैलेंस पे कन्वर्ट हो गया। हम किसका किसके साथ मैच करने वाले, अगर कैशबुक का पासबुक के साथ या फिर पासबुक का कैशबुक के साथ, तो अगर आप कैशबुक का बेस लेके स्टार्ट करोगे तो एंड में जो आंसर बचेगा ना वो कौन सा होगा, पासबुक का। अभी आप देखो स्टार्ट किससे किया, 1100 से कैशबुक से, और एंड किस पे हुआ, 300 पे। अभी आप ध्यान देना, मैं आंसर दिखा देता हूं, आंसर में मतलब सॉरी क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन में क्या दिया है, कैशबुक का बैलेंस 1100 था और पासबुक का एंडिंग का कितना है, 300। आ गया ना, प्रूव हो गया ना, मतलब बाकी कोई रीजन नहीं, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस की वजह से ये ऐसा हुआ है, तो हमने क्रॉस चेक किया, क्लियर, कोई डाउट नहीं, पक्का। आगे अभी आप देखो, ध्यान दो, ये सिचुएशन ठीक से समझना, ये सिचुएशन ठीक से समझना, क्लियर। प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है, प्रॉब्लम ऐसा भी आ सकता है कि आप करेक्टेड कैशबुक बैलेंस बताओ, मैं
करेक्टेड कैशबुक बैलेंस। अभी आपके पास जो कैशबुक था वॉज इट करेक्टेड, मतलब वो करेक्शन के बाद में था, क्या करेक्शन बाकी थे या क्या एडजस्टमेंट उसमें करने बाकी थे? अभी पहला क्वेश्चन, कुछ उसमें लिखना बाकी था? हाँ है ना, क्या? LIC प्रीमियम, और दूसरा कौन सा था दूसरे साइड पे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह कुछ तो भी था ना भाई बहन? मतलब देखो, मैंने BIS बना लिया, BIS में प्लस माइनस करके वो मुझे पता चल गया कि अभी कोई टेंशन नहीं है, मैच हो जाए, अच्छी बात है। ठीक है, मैच हो जाए, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। बट अभी भी प्रॉब्लम वही है कि आपका कैशबुक का कलेक्शन बाकी है। मैंने क्या बोला था, आप स्टेटमेंट में प्लस माइनस करते हो, उसका कैशबुक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होता है, क्योंकि स्टेटमेंट मतलब एक पेज ले लिया। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे फॉर एग्जांपल, ये मेरा कैशबुक है, दिस इज माय कैशबुक, ये कैशबुक है, तो मुझे जैसे पता चला, ओके, और ये पासबुक है, मुझे जैसे पता चला कैशबुक और पासबुक इन दोनों में डिफरेंस है, तो मैंने क्या किया, अभी ये डिफरेंस कैसे आ गया, ये मैच होता है कि नहीं देखने के लिए मैंने क्या किया, एक अलग अलग एक पेज ले लिया। समझ में आ रहा है? अलग एक पेज ले लिया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैंने क्या किया, स्टेटमेंट बना लिया। बाबा स्टेटमेंट बना लिया मतलब कैशबुक और पासबुक में कोई भी मैंने डेबिट क्रेडिट किया है नहीं, मतलब कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एज इट इज है स्टेटमेंट बनाने के बावजूद। स्टेटमेंट पे मैंने जस्ट प्लस माइनस करके मैच होता है कि इतना चेक कर लिया। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा कि भले स्टेटमेंट के हिसाब से मैच हो गया तो भी कैशबुक में करेक्शन तो बाकी है ना। समझाया? तो आप जाओ कैशबुक में और करेक्शन कर दो सब, पासबुक का वो कर लेंगे या ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, जैसे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, वो जब क्लियर होगा तो बैंक एंट्री कर देगी, और अगर गलती है पासबुक में तो उनको लेटर लिखो, वो करेक्शन कर देंगे। आज समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो वो करेक्शन कर देंगे, उनको बता दो। बट थिंग इज दैट अपना काम क्या है, कैशबुक करेक्शन तो बनता ही है ना। अभी प्रॉब्लम में आपको शायद से या मोस्ट प्रोबेबली कैशबुक करेक्शन दिया नहीं होगा, बट मैं आपको मेथड टू बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेकंड मेथड में आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे हिसाब से सेकंड मेथड ठीक से समझो। ठीक है, वही मतलब हम मान के चलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो सेकंड मेथड में क्या होता है, वैसे भी हमें कैशबुक में कलेक्शन करना ही है, भले BIS बनाने के बाद भी हो तो भी कलेक्शन तो करना ही पड़ेगा ना। मतलब जो आइटम्स लिखे नहीं कैशबुक में वो आज नहीं तो कल लिख नहीं है, तो हम उल्टा कर सकते। उल्टा मतलब क्या, उल्टा मतलब क्या, पहले करेक्शंस करो और नया बैलेंस निकालो, करेक्टेड बैलेंस, और उसके बाद में जो रिमेनिंग गलतियां है या जो रिमेनिंग डिफरेंसेस है जो पासबुक से रिलेटेड है उसके लिए हम क्या बना दे, BIS। देखो अभी मैंने क्या किया, अभी जो आपके सामने प्रॉब्लम सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर वन, उसके लिए मैंने क्या किया, क्या किया उसके लिए, पहले BIS बनाया और दोनों मैच होते से पता चल गया, सभी जो रीजन है वो एडजस्ट करके दोनों मैच हो गए, क्लियर। तो उसके बाद में मैं कैशबुक में जाऊंगा और करेक्शन कर दूंगा, तो करेक्शन कभी ना कभी तो करना है ना। करेक्शन मतलब क्या, जो चीजें जो आइटम्स लिखे नहीं है कैशबुक में जो लिखने चाहिए थे, जैसे बिल्स कलेक्टेड, बाद में LIC प्रीमियम, ओके, या इंटरेस्ट, इसका वहां पे कैशबुक में एंट्री आनी चाहिए थी क्या? यस, लेकिन आपको पता नहीं था इस वजह से एंट्री नहीं किया, वो आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी ना। तो क्यों ना मैं उल्टा करूं, उल्टा मतलब क्या, पहले कैशबुक को करेक्ट करूं, उसके बाद में एक बार करेक्शन हो गया तो नया बैलेंस पता चलेगा, और बाद में BIS बना लो। तो BIS में कौन से आइटम्स बचेंगे जिसका आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा? देखो गलतियां कैशबुक में हो सकती है, पासबुक में हो सकती है, बाबा हमने पहला क्या पढ़ा, दोनों भी गलतियां प्लस माइनस करके, हमने ये नहीं सोचा कैशबुक की कौन सी है पासबुक की कौन सी है, हमने डायरेक्टली BIS बनाया, BIS में प्लस माइनस कर दिया, दोनों का आंसर मैच हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कैशबुक में जाके करेक्शन करेंगे। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, दूसरी चीज क्या, क्यों ना हम कैशबुक से रिलेटेड जो गलतियां है, जो रह चुका है, जो भूल गए, अगर जो गलत साइड पे लिखा है, जो भी है कैशबुक में जो भी करेक्शन करने कर लेते हैं, और बाद में कैशबुक का करेक्ट बैलेंस आ जाएगा, और कैशबुक का करेक्ट बैलेंस लेके हम BIS बनाएंगे। तो अगर कैशबुक का करेक्ट किया तो बचेगा क्या, एरर्स कौन से बचेंगे, जो पासबुक से रिलेटेड है, जो पासबुक से रिलेटेड है। देखो एग्जाम में ठीक से सुनना, इफ इट इज गिवन और इफ इट इज रिटन देयर, क्या लिखा है कि फाइंड आउट करेक्टेड कैश बैलेंस ऑफ कैशबुक और फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो करेक्टली दिखाओगे ना, ऐसा आपको बोला है, तो आपको सबसे पहले कैशबुक करेक्ट करना है और बाद में BIS बनाना है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं?
ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, ऐसा अगर उन्होंने बोला है, पहले कैशबुक बनाओगे, कैशबुक में करेक्शंस करोगे, नया बैलेंस निकलेगा और नए बैलेंस के बेसिस पे बीआरएस बनाओगे। और तो बीआरएस में बचा क्या, जो कैशबुक की गलती है वो तो करेक्ट हो गई ना, वो अमाउंट में इंक्लूड होके आ गई, ठीक है, तो बचा क्या, सिर्फ पासबुक की गलतियां, तो उतना हम वहां पर क्या करेंगे, बीआरएस में एडजस्ट, वो हम चेंज नहीं कर सकते, समझ आ गया, वो तो बैंक करेगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे स्टेटमेंट बना के चेक करना है कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम स्टेटमेंट बना देंगे। तो सेकंड मेथड में, पहले मेथड में क्या, पहले मेथड में क्या था, सोचना ही नहीं, कैशबुक का है, पासबुक का है, स्टेटमेंट बनाओ, प्लस माइनस कर दो और मैच होता है कि देख लो। अभी दूसरे मेथड में क्या होता है, इफ दैट मिस्टेक इज रिलेटेड टू कैशबुक, देन क्या, बोलो क्या करना है, पहले कैशबुक प्रिपेयर करो और करेक्शंस करो, नया बैलेंस मिलेगा और वो नए बैलेंस के बेसिस पे बीआरएस बना लो, और वो बीआरएस क्या हो जाएगा, ओके, वो बीआरएस आगे आपको क्या है, पासबुक में जो गलती आ गई या जो पासबुक में बाकी है वो एडजस्टमेंट्स वहां पे एडजस्ट करके मैच होता है कि नहीं वो देखने के लिए बनाया जाएगा। समझ में आया, प्रोसेस समझ में आ गई, तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन में कैशबुक के कौन से आइटम से और पासबुक के कौन से आइटम से, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन नंबर टू देख लो आप, आसानी से पता चलता है, जैसे क्वेश्चन नंबर टू देख लो आप, क्वेश्चन नंबर टू में वो कहां पे है, क्या कहीं में शीट एडिशनल डिस्ट्रीब्यूट की ना, बाकी होगी ना, हाँ हाँ ठीक है, बाकी सभी को मिल गई, ठीक है, ओके, तो चलो, हाँ, क्वेश्चन नंबर टू, पहले तो क्या बोला है वहां पे, क्वेश्चन नंबर टू से पहले मेथड टू, मेथड टू में क्या बोला है, कैशबुक एंड बीआरएस बोथ विल बी प्रिपेयर्ड, मेथड टू में क्या है, दोनों बनाए जाएंगे, कैशबुक एंड बीआरएस, इफ मिस्टेक और कॉज ऑफ डिफरेंस इज रिलेटेड टू कैशबुक, अब मिस्टेक और कॉज ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस होने की वजह क्या है, क्या है, कैशबुक, ठीक है, तो कैशबुक रिलेटेड देन विल बी रेक्टिफाइड इन कैशबुक, तो उसे रेक्टिफाई किया जाएगा कहां पे, कैश बुक में, एंड इफ मिस्टेक और कॉज ऑफ डिफरेंस इज रिलेटेड टू पासबुक, और वो मिस्टेक पासबुक से रिलेटेड है, वो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, हम थोड़ी ना पासबुक बना के उसमें करेक्शन कर देंगे, ठीक है, वो नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए बीआरएस बना लो, ठीक है, तो वहां पे दिया है, स्टेप वन दिख रहा हूं, पहले आप क्या करो, स्टेप वन रिलेटेड टू, आपको क्या करना है, पहले तो डिवाइड करना है, डिवाइड कैसे करना है, कैशबुक रिलेटेड और पासबुक रिलेटेड आइटम निकालो, और सबसे पहले कैशबुक बना लो, कैशबुक में क्या कर दो, रिकॉर्ड ऑब्लिक रेक्टिफाई इन कैशबुक, कैशबुक में पहले रेक्टिफाई कर दो, यू विल गेट करेक्टेड बैलेंस एज पर कैशबुक, स्टेप थ्री, स्टेप फोर पे जाओ, क्या है, एक बार करेक्टेड बैलेंस मिल गया तो आप क्या करोगे, बीआरएस बनाओगे, तो स्टेप फोर क्या है, प्रिपेयर बीआरएस ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टेड बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक, एंड स्टेप फाइव, गिव इफेक्ट टू ऑल मिस्टेक्स एंड कॉजेस ऑफ डिफरेंस रिलेटेड टू पासबुक। चलो आप बताओ, वो जाने दो क्या लिखा है, पहले बताओ, सबसे पहले काम क्या है, मेथड टू में डिवाइड करना है, किसमें, आइटम्स है आपके सामने, ट्रांजेक्शन है, मिस्टेक्स है, एरर्स है, टाइमिंग डिफरेंस है, जो भी है उसे क्या करना है, डिवाइड करो, पहले किसमें, कैशबुक, दूसरा किसमें, पासबुक, जो कैशबुक के करेक्शन है उसके लिए क्या करोगे, कैशबुक बनाओगे, उसमें करेक्शन कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, करेक्टेड बैलेंस, इसका बेस लेके क्या स्टार्ट करना है, बीआरएस, और बीआरएस में किसके प्लस माइनस करना है, सिर्फ पासबुक के, सिर्फ किसके, पासबुक के, क्लियर, फर्क नहीं पड़ता है, देखो एक बार आपको पता चल गया ये कैशबुक से रिलेटेड है, बीआरएस बनाते हो सोचेंगे नहीं ना, क्योंकि वो तो करेक्ट किए होंगे, और आपको ऐसा सेकंड मेथड नहीं बताया, तो पहला मेथड तो आपको आता ही है, क्या डायरेक्टली सोचना स्टार्ट करो, पहली एंट्री कैशबुक में हो गई, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ गया तो लेस कर दो, वो तो हमने पढ़ाई है, क्लियर, कोई डाउट, देखो मैं आपको, मैंने आपको जो बोला है फास्ट ट्रैक में मैं क्या करूंगा, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करूंगा, क्लियर, मतलब लेटेस्ट से मैंने कंपैरिजन का भी ले लिया, डायरेक्टली ऐसा नहीं ले लिया कि उन्होंने ट्रांजेक्शन्स दिए और हम प्लस माइनस करें, तो कंपैरिजन यहां से वहां पे कंपैरिजन करना है वो भी हमने ले लिया, बाद में जहां पे कैशबुक बना के बाद में बीआरएस बनाना है वो भी हम ले रहे हैं, और नॉर्मल वाला प्रॉब्लम भी ले लेंगे, समझ आ रहा है, ठीक है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम तो कवर होंगे, ओके, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा,
वो तो आप सेल्फ स्टडी में कर लो, घर पे आज जाओगे ये तो आज तो आपको समझ में आ गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गए, ले लो स्टडी मटेरियल लेके बैठो सॉल्व कर लो सभी के सभी, क्लियर? ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो वही जाके क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब क्या, हम कंसेप्ट भी अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस भी कर रहे, क्लियर? वो इमीडिएटली हो जाएगा और टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। और क्लास में आना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप क्लास में नहीं आते तो शायद से घर पे कितना पढ़ते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, 80-90% स्टूडेंट अगर घर पे या ऐसे बैठे हुए पढ़ाई नहीं करते, कल पढ़ेंगे ये टाइप का हो जाता है, मतलब कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है। क्लास में बैठते तो कम से कम ये चैप्टर हो गया, घर पे जाके लगता तो ये पढ़ ले, ठीक है? मतलब बहुत से स्टूडेंट का ऐसा होता है कि नहीं मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, अगर ऑप्शन अवेलेबल है बेटर क्लास में बैठने का तो दैट इज वेरी गुड, क्लियर? सभी लेक्चर्स रेगुलर करना, इसका फायदा वहां पे क्या हो जाएगा कि आप घर पे जब लेके बैठोगे ना बुक, कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने ये पढ़ा था वो पढ़ा था, आज कुछ तो भी नया आपको सीखने को मिला, नए तरीके से सीखने को मिला, तो एक थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर आपने कहीं से तो पढ़ा है, आपको कुछ ना कुछ तो मेरे पास से अलग ही लगा होगा, तरीका अलग लगा होगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर कि कितना आपको अच्छा लगा कि मेरा तरीका, ठीक है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं बेसिक से आपको आगे लेके जाऊंगा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, ठीक है? बट थिंग इज दैट कि जो तरीका मैंने बताया, ओके, वो हमेशा आज तक का, मतलब इससे भी शॉर्टकट शायद से हो सकता है, बट शॉर्टकट तभी यूजफुल होता है जब वो हर प्रॉब्लम के लिए सुटेबल होता है। मैं ये मानता हूं शॉर्टकट मैं तभी फॉलो करूंगा जब वो शॉर्टकट हर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, नहीं तो ये टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये शॉर्टकट, ये टाइप के प्रॉब्लम के लिए ये शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अगर मैं ऑप्शंस बता दूं कि नहीं ये इस टाइप के लिए होता है, ये इस टाइप के लिए होता है, आगे जाके कंसाइनमेंट के प्रॉब्लम में ऐसा होता है, उसमें हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स है, बट वो शॉर्टकट मैं फॉलो क्यों करूं अगर वो शॉर्टकट सभी टाइप के प्रॉब्लम के लिए, आपका काम उल्टा बढ़ा दिया मैंने कि आप याद रखो कि ये टाइप का इस तरह से होगा इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए। तो अगर बेटर वहां पे कंसेप्चुअली समझ लेते हो तो कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आने दो ना, कमीशन से रिलेटेड कोई भी टाइप का प्रॉब्लम आने दो ना, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड, ठीक है? एक ही तरीका अगर आपको पता हो जिससे सभी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, उल्टा आपका टेंशन कम हो गया, ठीक है? समझ में आ गया? तो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्लस माइनस वाला, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी टाइप का सिचुएशन आने दो, आप दिमाग लगाओगे कि कहां पे एंट्री होगी, उन्होंने बोला कि इस तरह की गलती होगी जो आपने पढ़ी भी नहीं कभी, तो आप सोचोगे गलती में इफेक्ट कहां पे हो गया, यहां से आप स्टार्ट करोगे तो आपको आंसर पता चलेगा, क्लियर? ठीक है, तो ध्यान दो। अभी यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर टू, आपको क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, ये मेथड कब फॉलो करनी है, प्रॉब्लम में या तो आपको क्या बताया जाएगा, फाइंड आउट करेक्टेड कैश बैलेंस और फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस टू बी शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप करेक्ट दिखाओगे या झूठा वाला दिखाओगे, करेक्ट ना, तो उससे पहले कैशबुक करेक्ट तो करना पड़ेगा ना, और अगर आप कैशबुक करेक्ट करते हो तो वो जो डिफरेंस था गलतियों की वजह से वो फिर से एडजस्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं है, एक बार तो करेक्ट हो गया, कोई डाउट है इसमें? हाँ है ना, ठीक है? आपकी बैच में एक चीज की कमी है, जोश, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड कि जो भी रिजल्ट हो गया वो चीजें जो होती है, ठीक है, बट थिंग इज दैट कि जोश होना ही चाहिए कभी भी, ठीक है? आपकी बैच में वो, मतलब बाकी टीचर भी बोल रहे हैं कि इस बैच में एनर्जी नहीं है, ठीक है? जो भी सिचुएशन होगा, जो भी चीजें होगी, उसी से तो हमें बाहर निकलना पड़ता है, तो थोड़ा सा एनर्जी मेंटेन रहो, ठीक है? मतलब किसी ने चिल्लाया हाउस द जोश, तो आवाज जरा सा एकदम ऐसा तगड़ा आना है, हाँ, ओके, तो थोड़ा सा घुल जाओ ऐसे, मतलब वहां पे लगता है कि यार सामने बैठे उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ठीक है? तो वहां पे क्या बोलते हैं, ना कोई उमंग है, ऐसा फीलिंग आता है आपको पढ़ाते वक्त, ठीक है? तो मेरी जिंदगी है क्या, ठीक है? तो ऐसे कुछ वहां पे कहेगी एक्सप्रेशन देने की जरूरत नहीं है, ओके, कुछ नहीं हुआ है, ओके, पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया 6 महीने का ही डिफरेंस है, ठीक है? और कुछ चीजें वहां पे मैं मानता हूं अच्छे के लिए होती है, आपको लगता है ये इसमें अच्छा क्या है सर, ठीक है? रिजल्ट निगेटिव आ गए तो उसमें अच्छा क्या है, ठीक है? अगर इससे कुछ चीजें आप सीख गए ना, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम आपकी प्रोग्रेस, या मतलब क्या है कि जो एक लेवल पे आप आगे जाके पहुंचोगे,
तो शायद से आपको कहीं ना कहीं पे लगेगा वो 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो 6 महीने बहुत सिखा के गए, ठीक है, मतलब वो 6 महीने में हम लाइन पे आ गए, ठीक है, अक्ल आ गई, मतलब कुछ तो भी ऐसा फीलिंग हुआ, मुझे भी लगता है मैं एक बार फेल हो गया तो मुझे पता है कि वो 6 महीने में मुझे अक्ल आ गई या मैं लाइन पे आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो कभी भी अभी खुश रहना है, जो हुआ है अगले टाइम तो पास होना ही है, ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी आपके बैच में कम है, ठीक है, तो एनर्जी देनी चाहिए, मतलब जब आंसर पूछते आपको आंसर आता है फिर भी नहीं बोलते, मतलब यहाँ पे टीचर फ्रस्ट्रेट आए, मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ जाए कि नहीं आ जाए, ठीक है, आंसर तो सभी आते हैं, जैसा मैं देखता हूँ तो समझ में आता है कि यार इसने बोला आंसर लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा एकदम छोटे या मतलब कम आवाज में बोला, समझ में आया ना, पक्का, ओके, हाँ, तो थोड़ा सा टीचर को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ठीक है मैं इतना चिल्ला रहा हूँ तो कुछ तो भी वहां पे क्या कि इफेक्ट जा रहा है सामने, क्लियर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक, क्लियर, और मैं तो इस एनर्जी के साथ मॉर्निंग से यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मॉर्निंग में भी यही एनर्जी रहती है, आपके सामने भी यही एनर्जी, मैं अगर बैठ गया ना आपके स्टाइल में, ठीक है, तो आपका तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब ऐसे कि, ठीक है, तो ऐसा माहौल बन जाएगा, तो ध्यान देना एनर्जी दोनों साइड से चाहिए, आपकी भी एनर्जी रहने दो, जितना आप एक्टिव रहोगे ना उतना आपकी पढ़ाई अच्छे से होती है, सिंपल बात है, एक्टिव रहना चाहिए, एक्टिव जब आप रहते हो तो आपका दिमाग भी ऑब्वियसली, ठीक है, फास्ट चलता है, इजिली कैप्चर करता है जो भी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक एज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1977। और एक बात कि मैं रेगुलर बैच में एक जोक्स वगैरह चलते हैं ज्यादा, तो यहाँ पे मैं कम करता हूँ क्योंकि अपने अपने ऊपर टाइम लिमिट है, ठीक है, रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर बहुत सीरियसली पढ़ा है, ठीक है, जो रेगुलर बैच में मेरे बैठ चुके हैं, तो सिंपल रीजन है क्योंकि अपने पास टाइम कम है, एक स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करना है, रेगुलर बैच कितनी 4-4.5 महीने चली तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उतना डिसीजन तो होता ही, बट ये बैच कितना अपना 2 महीने में कंप्लीट करना है, 2 महीने का टारगेट रख के चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि अदरवाइज हंसी मजाक चलता रहता है, कमेंट चलते रहते हैं, कुछ जोक चलता रहता है, कुछ तो भी एग्जाम्पल शेयर किए ऐसे जो अजीब तरीके के, तो ये चलता रहता है, यहाँ पे वो चीज़ें कम कर रहे, ठीक है, तो अदरवाइज उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छे खासा है, माहिर है, ठीक है, बट वो चीज़ अभी नहीं करनी है क्योंकि वो रेगुलर बैच में ठीक लगता है, अभी मॉर्निंग में अकाउंटिंग की इंटरमीडिएट की बैच चल रही, वो रेगुलर बैच है, तो उसमें वहाँ पे जोक चलते रहते हैं, उसमें वहाँ पे क्या है कि कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, तो टाइम है, अभी अपने पास टाइम कम है, क्लियर। और शायद से आपको भी यही लगेगा कि नहीं सर बाकी छोड़ दो, टाइम पे कंप्लीट कर लो या कम टाइम में कंप्लीट कर लो ताकि हमें पढ़ने के लिए टाइम मिले, क्लियर। इस वजह से मेरा फोकस पूरा पढ़ाई की तरफ है, पढ़ाने की तरफ, ठीक है, तो ध्यान दो, द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश बुक एज प्रेजेंटेड टू यू फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 1977, दो ऑल रिसीट आर बैंक्ड एंड पेमेंट्स आर मेड बाय चेक, सभी रिसिट्स क्या किए गए, बैंक, मतलब बैंक में डाले गए और पेमेंट्स चेक से किए गए, ऑन इन्वेस्टिगेशन यू डिस्कवर, अभी ये स्टार्ट करने से पहले ऊपर यहां पे ध्यान देना, उन्होंने किसका दिया, ये क्या दिया है, कैशबुक का दिया है ना, ठीक है, तो कैशबुक का दिया है, अभी तो कुछ समझ में आया, नीचे पढ़ते जाएंगे तो कुछ बातें समझ में आ जाएगी, पहले बैंक चार्जेस ऑफ ₹136 एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैशबुक, वेयर द करेक्शन इज रिक्वायर्ड, करेक्शन मतलब गलती है ऐसा नहीं, बट कहां पे अपडेशन रिक्वायर्ड है, कैश बुक, करेक्ट है, तो वहां पे आगे आगे लिख देना C.B. शॉर्ट में कैश बुक CB, समझ आ गया, अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा कैश बुक है कौन सा पासबुक है, ठीक है, ये डिफरेंशिएट करेंगे बाद में सॉल्व करेंगे, CB लिखो वहां पे, लिखा, आगे चेक्स ड्रॉन किए गए, अमाउंटिंग कितने गए, अमाउंटिंग ₹267 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, अभी इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, चेक ड्रॉ किए मतलब इश्यू किए लेकिन वो बैंक के सामने प्रेजेंट नहीं हुए, एंट्री कहां पे हो गई, कैशबुक, ठीक है, एंट्री कहां पे नहीं हुई, पासबुक, क्या ये कैशबुक में गलती है, नहीं है, वो तो एंट्री करेंगे ना ऑब्वियसली, पासबुक में भी गलती नहीं है, बट पासबुक का अपडेशन बाकी है और प्रेजेंट नहीं हुआ, टाइमिंग डिफरेंस है, तो कहना यहां पे ये है, ये जो अपडेशन है वो कहां से बाकी है, पासबुक, हम कैशबुक में करेक्शन नहीं करेंगे, इसके लिए कैशबुक में जो लिखा हुआ है वो तो करेक्ट ही है क्योंकि हमने चेक इशू किया तो एंट्री कर दी, सही बात है, क्लियर, तो वहां पे लिख देना ये क्या है,
पासबुक पीबी शॉर्ट में लिख दो पीबी, डन। आगे चेक रिसीव्ड टोटलिंग रुपीज 762 हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक एंड पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड मतलब चेक डिपॉजिट किए बट वो क्रेडिट नहीं हुए मतलब डिपॉजिट किए लेकिन क्लियर नहीं हुए। एंट्री कहां पे होगी? कैश बुक में। एंट्री कहां पे होगी? कैश बुक में। बट कहां पे बाकी है? पासबुक। मतलब ये आइटम कैश बुक रिलेटेड है या पासबुक रिलेटेड? पासबुक। तो वहां पे लिख देना पीबी, वहां पे लिख देना पीबी। आगे बोलो, अ चेक ऑफ 22 हैड बीन एंटर्ड एज रिसीट इन द कैश बुक इंस्टेड एज अ पेमेंट। गलती है, कहां पे गलती है? कैश बुक। वेयर करेक्शन इज रिक्वायर्ड? कैश बुक। तो लिख दो सीबी, कैश बुक। आगे हाँ, अ चेक फॉर रुपीज 25 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक इरेनियसली। कहां पे गलती है? कैश बुक या पासबुक? किसने बोला है? हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक बोला है ना, डेबिटेड बोला है। हाँ, डेबिटेड बाय बैंक इरेनियसली, बैंक ने डेबिट किया गलती से। तो गलती कहां पे? पासबुक। तो वहां पे लिख देना पासबुक। आगे अ चेक रिसीव्ड फॉर 80 रुपीज का चेक मिला हैड बीन रिटर्न बाय बैंक एंड मार्क्ड। बैंक से रिटर्न आ गया, वो रिटर्न आ गया बैंक से, चेक दिया था, डिपॉजिट किया था, एंट्री की थी, वो रिटर्न बाय बैंक और लिखा है नो फंड्स अवेलेबल, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन कैश बुक। अगर वो चेक बाउंस हो गया, वापिस आ गया, तो आपने बाउंस होने की एंट्री करनी चाहिए ना, पहले चेक डिपॉजिट की एंट्री की थी, वो एंट्री क्या होनी चाहिए? रिवर्स। लेकिन कुछ नहीं किया तो क्या ये, कहां पे करेक्शन रिक्वायर्ड है? कैश बुक। लिख देना सीबी। आगे बोलो, ऑल डिविडेंड्स रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट। सभी डिविडेंड डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आते हैं, राइट। ड्यूरिंग डिसंबर अमाउंट टोटलिंग रुपीज 62 वे क्रेडिटेड बाय बैंक एंड नो एंट्रीज वे मेड इन कैश बुक। बोलो कैश बुक, कैश बुक में गलती है, गलती मतलब लिखना बाकी है। आगे अ चेक ड्रॉन फॉर रुपीज 6 हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज रुपीज 66। चेक कितने का है? 6 रुपए का, गलती से कितना लिखा? 66। कहां पे? कैश बुक। तो बोलो क्या लिखोगे? कैश बुक। लिख रहा हूं द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड शुड हैव बीन 711। मतलब ऊपर जो दिया है ना बैलेंस, आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कैश बुक की समरी दी है, तो उसमें देखो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 761 दिख रहा है और नीचे दिया है कि इट शुड हैव बीन 711। मतलब 50 से ज्यादा लिखा है, गलती से 50 से ज्यादा लिखा है। कौन साइड पे? क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड किसके लिए होती है? कैश बुक की क्रेडिट साइड किसके लिए होती है? विड्रॉल। विड्रॉल साइड पे 50 ज्यादा लिखा, बैलेंस कम होगा ना, ठीक है। तो वो आगे देख लेंगे, बट अभी के लिए किससे रिलेटेड है? कैश बुक। कैश बुक में गलती है। द बैंक स्टेटमेंट एज ऑन 31st December showed an overdraft of rupees 1162. बैंक स्टेटमेंट उस दिन 1162 का ओवरड्राफ्ट दिखाया, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करना? यू आर रिक्वायर्ड टू शो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन कैश बुक। तो कर देंगे, कैश बुक बना देंगे। और दूसरा क्या करना आपको? प्रिपेयर ब्रियर्स, मतलब दो काम दिए आपको, समझ आ गया। यहाँ पे करेक्टेड कैश बैलेंस बोला जा सकता है या फिर बैलेंस टू बी शोन इन बैलेंस शीट ऐसा कहा जा सकता है। तो इसमें कंपल्सरी आपको क्या बनाना है? कैश बुक बनाना है, उसमें करेक्शंस करना है। समझ में आ रहा है? विद डाउट? कोई शक? ना, पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैश बुक बना लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाइन का। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन्स रहने दो, 8 to 10 लाइन्स लगेंगे।
और स्पेसिफिकली हम किसकी बात करें, बैंक कॉलम की, बराबर। आगे इमीडिएटली क्या बनाना है, दूसरा बैंक रिकंसलेशन स्टेटमेंट। रेडी? चलो अरे क्या क्या कर रहे हो, लाइन मारो, मतलब एग्जैक्टली किस टाइप की? हाँ इतना टाइम क्यों लगता है, हो गया मार ली लाइन? हाँ ओके, कैसे खुश हो जाते बच्चे, चले तो देखो वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन वीक, वीक स्टार्ट हो गया, पता नहीं यार मेरी तो शादी हो गई, वैलेंटाइन का क्या करूंगा मैं। ये घर पे दिखा नहीं सकता अभी मैं। हाँ तो नहीं, रिकॉर्डिंग दिखानी नहीं है, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है पता है ठीक है, बट रिकॉर्डिंग दिखानी नहीं है। आगे आपका शायद से प्लान बन रहा है वैलेंटाइन डे का, हाँ क्या करोगे वैलेंटाइन डे पे? प्रपोज करोगे? मतलब बच्चे कैसे बोलेंगे उस दिन, कॉफी के लिए आ सकती हो क्या कुछ बोलने के लिए? मेन आपको पता है ना वो आजकल चल रहा है किड्स मेन लेजेंड्स, लेजेंड्स मतलब कुछ तो भी वियर्ड कहते हैं ऐसा, ठीक है तो आप लड़की से कैसे बात करोगे? तो कॉफी के लिए आ सकती हो क्या, ये कि कौन बोलेगा? किड्स। मेंस क्या बोलेंगे? चलती है क्या 9 से 12? और लेजेंड्स बोलेंगे आओ कभी हवेली पे। और सीए के स्टूडेंट्स कैसे बोलेंगे? आओ कभी लाइब्रेरी पे, ठीक है। चलो आगे यहां पे कैश बुक से स्टार्ट करते हैं। कैश बुक का बैलेंस देखो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कैसे देखो, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना लिखा है 554, वो डेबिट साइड पे, लेकिन वो अल्टीमेटली बैलेंस कहां पे आने वाला है, क्रेडिट साइड पे, टोटल के नीचे बाय बैलेंस। मतलब ये ओवरड्राफ्ट है ना, अभी तो ओवरड्राफ्ट है बट अकाउंट बना रहे तो फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस नहीं करना अभी तो, अभी तो कैश बुक के सभी एडजस्टमेंट्स कर देंगे, क्लियर। तो बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 554, फटाफट बता देना, सिर्फ मुझे कैश बुक के बताना अभी। जब तक कैश बुक का करेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक कैश बुक का करेक्ट बैलेंस नहीं मिलेगा और BIS नहीं बनेगा, क्लियर। तो बोलो पहला क्या है, बैंक चार्जेस ऑफ ₹136 एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस मतलब ये देखो, बैंक चार्जेस मतलब ये डिपॉजिट साइड पे आना चाहिए, विड्रॉल साइड पे, विड्रॉल ना बैंक चार्जेस कट हो जाए तो आपके अकाउंट से पैसे कम होंगे, डिपॉजिट तो नहीं होंगे, तो कहां पर लिखो, कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखो या क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे बाय बैंक चार्जेस कितना है, हाँ 136 क्रेडिट साइड पे लिखा, बराबर लिखा नहीं था, करेक्शन कर रहा हूं मैं, जो जो चीजें लिखी नहीं, जो जो गलती हो गई अभी करेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बोलो कौन सा पॉइंट नंबर बताए ना, फोर मैंने लिखा नहीं है, आप कैशबुक का जहां जहां पे वो मुझे नंबर बोलते जाओ, फोर्थ नंबर देखो, अ चेक फॉर ₹22 हैड नॉट बीन एंटर्ड एज अ रिसीट इन द कैश बुक हैड बीन एंटर्ड एज अ रिसीट इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ पेमेंट। अभी रॉन्ग साइड पे जाता है तो कल मैंने एक बात बताई थी, जब रॉन्ग साइड पे जाता है तो डबल इफेक्ट होता है, मतलब कितने का देखो ध्यान दो, मान के चलो मैं एक दिखा देता हूं आपको, मान के चलो आपके अकाउंट में 100 रुपीज थे, डेबिट साइड डेबिट था 100 बैलेंस था,
क्या हो गया ये, मान के चलो 22 का क्या है, had been entered as receipt instead of payment. अगर मैंने करेक्ट लिखा होता, ध्यान दो, मैंने अगर करेक्ट लिखा होता तो कहां पे लिखता मैं, क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस कितना आ जाता 78. भाई मैंने 100 रुपीज का बैलेंस है, 22 का पेमेंट, कितना बैलेंस आ जाता 78. बट ये मैंने लिखा नहीं, ये मैंने लिखा नहीं, रॉन्गली मैंने क्या किया, डेबिट साइड पे लिखा. तो क्या हुआ, क्या हो गया, 122 हो गया ना, मतलब जहां पे 78 आना चाहिए था पेमेंट के बाद में, वो बैलेंस हो गया 122. मतलब फर्क कितने का है, 122 माइनस 78 44. मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर रॉन्ग साइड पे लिखते हो, जो साइड पे लिखना है वो साइड पे नहीं लिखा, रॉन्ग साइड पे लिखा, तो इफेक्ट डबल अमाउंट का होता है, नेट इफेक्ट. हाँ, लेकिन रॉन्ग साइड आपने लिखना था लेकिन लिखा ही नहीं, तो फर्क कितने का होता है, एक ही अमाउंट, मतलब 22 का ही, लिखा नहीं तो एक बार ही इफेक्ट, और अगर आपने गलत साइड पे लिखा तो डबल इफेक्ट आ जाता है. ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर देखो, अगर मैंने लिखा नहीं, मैंने लिखा ही नहीं होता कुछ भी, तो क्या हो जाता, आपका बैलेंस कितना जाता, 100 ही रहता ना भाई, 100 ही रहता, जबकि कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था 78. तो 22 का ही फर्क है ना, एक ही इफेक्ट हो गया, एक ही बार अमाउंट का इफेक्ट हो गया, लेकिन मैंने रॉन्ग साइड पे लिखा तो वो अमाउंट 78 की जगह पे 122 हो गई, मतलब 44 का डिफरेंस हो गया. तो ये हमेशा याद रखना, क्या क्या, अगर रॉन्ग साइड पे लिखा तो डबल इफेक्ट, अमाउंट क्या हो जाती है, अमाउंट का डबल इफेक्ट हो जाता है. तो चलो, अभी कहां पे लिखा था उन्होंने, हैड बीन एंटर्ड एज रिसीट, गलती से रिसीट साइड पे लिखा, मतलब डेबिट साइड पे, जो कि अभी क्या करना, करेक्शन के लिए कहां पे लिखूं, पेमेंट साइड पे, क्लियर, तो मतलब क्रेडिट साइड पे, बाय बाय. अभी ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पे दूसरा अकाउंट सस्पेंस ही आएगा ना, सस्पेंस क्यों, क्योंकि रॉन्ग साइड पे जाता है, मतलब जो करेक्ट साइड पे डिफरेंस तो क्रिएट होगा ना, ठीक है, वो डिफरेंस कहां पे जाता है, सस्पेंस में, वो हम कल पढ़ेंगे, सस्पेंस अकाउंट का कल से स्टार्ट हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन रिलेटेड, क्लियर. तो कितना 44, 22 + 22, डबल इफेक्ट देना पड़ा, क्यों, क्योंकि एक बार देने से, अगर ध्यान दो, डेबिट साइड पे 22 लिखा है, मैं क्रेडिट साइड पे 22 लिखता हूं, तो इससे क्या होता है, क्या लगता है, नील हो जाता है, नील हो जाता है इफेक्ट. बट मुझे नील नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, एक तो 22 का इफेक्ट कैंसिल भी करना है डेबिट साइड पे जो लिखा हुआ है, और प्लस 22 का पेमेंट साइड पे एडिशनल इफेक्ट देना है, तो मुझे क्रेडिट साइड पे कितना लिखना पड़ेगा, 44. आगे बोल दो, सिक्स क्या है, चेक रिसीव्ड फॉर 80 हैड बीन रिटर्न बाय द बैंक एंड मार्क्ड नो फंड्स अवेलेबल, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड इन द कैश बुक. तो चेक वापस आ गया, मतलब वो डिपॉजिट किया था ना, वो वापस आ गया, डिपॉजिट करते हो कहां पे लिखा था, डेबिट साइड पे, अभी क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पे, बाय. पार्टी, पार्टी का नाम आ जाएगा, जो भी पार्टी है, जो भी पर्सन है, बाय कस्टमर कह दो, पार्टी कहने की वजह क्या, पार्टी की जगह पे क्या, कस्टमर. पार्टी बोला तो सर, आप बोलोगे सर पार्टी, वो तो मैं पार्टियां लूंगा आपके पास से, रिजल्ट आने दो आपका, चुन चुन के पार्टी लूंगा, चुन चुन के पार्टी लूंगा, दोगे ना पार्टी, कितना तो बनता ही है, कितना 80 ना, हाँ 7. ऑल डिविडेंड रिसीवेबल आर क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में डायरेक्टली आ जाते हैं, ड्यूरिंग द डिसंबर अमाउंट्स टोटलिंग ₹62 वेर क्रेडिटेड बाय द बैंक एंड नो एंट्रीज मेड इन कैश बुक, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो चलो एंट्री कर दो, डिपॉजिट की एंट्री है ना, टू डिविडेंड रिसीव्ड कितना 62 हो गया, आगे 8 ना, द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड शुड हैव बीन 711, लेकिन ऊपर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है 761. अभी अब देखो, क्रेडिट साइड पे 50 रुपीज ज्यादा हो गए भाई, है ना, ऊपर जो ऊपर का देखो, ऊपर आपको समझ ही दिए कैशबुक की, उसमें क्या दिया है, बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 761, क्रेडिट क्या हुआ,
ओ मैंने डायरेक्ट लास्ट का 9 वाला देख लिया, हाँ ठीक है 8, सबसे पहले 8 अभी देखिए, 9 का पहले देख लो, 9 का देख लो, अभी एक्सप्लेन किया इतना तो हाँ। तो क्या हुआ है ऊपर समझ में, क्रेडिट साइड पे क्या हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 761, वो क्या बोल रहे हैं कि 711 होना चाहिए था, मतलब 50 रुपए से ज्यादा क्रेडिट दिया है, क्रेडिट हो गया तो उसे कैंसिल करना है, तो क्या करो डेबिट कर दो ना, तो डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे 2, इससे भी सस्पेंस अकाउंट ऑब्लिक यहां पे ब्रैकेट में लिख देना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड कितना 50। आगे 8 नंबर, 9 नंबर का भी लिखा, 8 नंबर का देखो, अ चेक ड्रॉन फॉर ₹6 हैड बीन इनकरेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक एज 66, बाय बाय ना, चेक ड्रॉन ₹6 का है, ₹6 का मतलब पेमेंट साइड पे, ₹6 का है पेमेंट साइड पे, ₹6 लिखने चाहिए, आपने लिखे 66, तो करेक्शन के लिए क्या करोगे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो क्रेडिट साइड पे लिखा कितना है वो 66 लिखना चाहिए था पेमेंट साइड पे, कितना लिखा 66, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 60, तो उसे क्या कहेंगे डेबिट करेंगे कैंसिल करने के लिए 2, ये भी सस्पेंस ही आ जाएगा, हाँ यस ये समझा, देखो इनका डाउट 6 पॉइंट पे, इस वजह से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या हो गया चेक 6 पॉइंट, ठीक है चेक रिसीव्ड फॉर 80 हैड बीन रिटर्न बाय बैंक एंड मार्क नो फंड्स अवेलेबल, मतलब हमने चेक पहले दिया था भाई भाई, वो वापस कर दिया बैंक ने और बोला कि उस वो जो अकाउंट का चेक था उसमें फंड्स ही अवेलेबल नहीं, लेकिन इन शॉर्ट आपका चेक क्या हो गया बाउंस, मतलब आपका मतलब आपको जो मिला था, ठीक है तो ऐसे केस में चेक बाउंस हो गया, तो अभी क्या हो गया कि आपने पहले कहां पे लिखा था, पहले डिपॉजिट साइड पे लिखा था ना, लेकिन वो पैसे ही नहीं आए ना, और पैसे वो आने वाले क्या नहीं आने वाले, तो बैंक ने उनके अकाउंट में कुछ किया ही नहीं, क्रेडिट किया ही नहीं क्योंकि वो फंड्स नहीं थे, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो डेबिट साइड पे लिखा है वो तो कैंसिल करना पड़ेगा ना भाई, इस वजह से कैंसिल करने के लिए डेबिट साइड कैंसिल करने के लिए हमें क्या, हमने क्या किया क्रेडिट साइड पे लिख दिया, रिवर्स इफेक्ट दे दिया, क्लियर, तो ये हो गया, और कुछ है नहीं हो गया, चलो फटाफट बैलेंस निकालो, करेक्टेड बैलेंस, नाउ दिस इज करेक्टेड बैलेंस ऑफ कैश बुक, सभी करेक्शंस के बाद में टोटल कितनी आ जाएगी क्रेडिट साइड की 814, बोलो बैलेंस 2, बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 642। अब ये बैलेंस कौन सा है, देखो ये डिफरेंस डेबिट साइड पे आया, बट कौन सी साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड ना, जो साइड ज्यादा वो बैलेंस, ठीक है तो बैलेंस कौन सा, इसे क्रेडिट बैलेंस, अभी क्रेडिट बैलेंस से कैश बुक को मतलब क्या है ये ओवरड्राफ्ट, राइट परफेक्ट ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे, क्लियर, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे, अभी यहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि पासबुक से स्टार्ट करना, ऑब्वियसली करेक्टेड कैश बैलेंस से स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है तो ओवरड्राफ्ट, कितना है सर 554 है, आप कहां पे 642 ले रहे हो, क्या लेना है 642, क्योंकि हमने करेक्शंस करके कैशबुक के नया निकाला ना, अभी 642 में कुछ भी कैशबुक के करेक्शंस करने नहीं है, ऑलरेडी हो गए, अभी लिखो अभी कौन से बाकी है सिर्फ पासबुक के, फटाफट बताओ पासबुक के बताओ क्या है, सेकंड चेक ड्रॉन अमाउंटिंग टू ₹267 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक ड्रॉन अमाउंटिंग ₹267 हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, देखो चेक क्या हो गया था ड्रॉ किया था और बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो कैश बुक में एंट्री कहां पे है पेमेंट साइड पे ना, चेक ड्रॉन पे, लेकिन वो पासबुक में एंट्री हुई नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस कंपेरिजन में ज्यादा दिख रहा है, तो उसे क्या कर दो कम कर दो, नहीं नहीं सॉरी आपको कैशबुक के बेसिस पे चलना है ना,
कैश बुक का क्या हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि पेमेंट चेक ड्रॉन है, मतलब क्या चेक इशू किया, तो चेक इशू की एंट्री कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, कम दिख रहा है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो लेस करेंगे। चेक क्या इश्यूड बट नॉट कितना 2 राइट आगे बोलो। थर्ड चेक रिसीव्ड टोटलिंग 762 हैड बीन एंटर्ड इन कैश बुक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, तो एंट्री कहां पे हो गई है, कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया तो क्या करेंगे, लेस, कैश बुक का भी बेस लेके चल रहा है लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो क्या करेंगे, ऐड। कितना है? 7 कॉलम में लिखना है और नीचे कितना था 2 हाँ आगे बोलो। फिफ्थ ना चेक ऑफ 25 हैड बीन डेबिटेड बाय बैंक अनलेसली, तो ₹25 का चेक जो है वो गलती से डेबिट हो गया। अभी गलती से डेबिट हो गया मतलब कहाँ पे गया, विड्रॉल, भाई पासबुक में डेबिट हो गया, विड्रॉल मतलब बैलेंस क्या हो गया पासबुक का, कम हो गया, कैशबुक का कंपेरिजन में ज्यादा दिख रहा है, तो ज्यादा दिख रहा है तो क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है कम करेंगे, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो ऐड। चेक डेबिटेड, चेक रॉन्गली डेबिटेड कितना है 25 25 कितना है आगे हो गया डन, शुरू होती खत्म। कितना आता है बोलो, बोलो बोलो कितना है, अरे आपने डायरेक्ट आंसर, अरे बीच में कितना आता है वो बोलो ना, 1429 बाद में 267 माइनस 1 वही बोला है क्या, नीचे बोला है ना 10 नंबर पॉइंट में ओवरड्राफ्ट 1162, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कोई डाउट है, ये दोनों प्रॉब्लम है, समझ आ गया, ये सेकंड जो है वो सेकंड ज्यादा मतलब क्या है कि ध्यान देना अगर पे अगर सॉल्व करते हो फिर से एक बार सेकंड खुद से, ठीक है तो और भी बढ़िया बात होगी, क्लियर, जो भी क्लास में होता है इमीडिएटली उसी दिन कंप्लीट करना है,
स्टडी मटेरियल पढ़ो जो आपको ठीक लगता है, लेकिन वो इमीडिएटली ऐसा होना चाहिए कि नहीं, वो चैप्टर मेरा हो गया, क्लियर। मतलब आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं रहेगा कि नहीं, मतलब वहां पे क्या है कि एंड में सेल्फ स्टडी तो आप करोगी बट साथ में पढ़ाई चलती है, तो उस केस में आपको एंड में टेंशन नहीं आएगा। अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो एंड में ऐसा होगा एक महीने में क्या क्या करेंगे, ये अभी पढ़ाई करोगे तो एक महीने में तो सिर्फ रिविजन करनी है ना आपको, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। अभी मैंने आपको समझाने की जरूरत नहीं क्यों फॉलो करना है, ठीक है, मतलब क्यों फॉलो करना है वो समझाने की अभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब स्टूडेंट्स नए आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है, ठीक है, कि कर ले भाई कर ले, ठीक है। अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो डेली बेसिस पे होना ही चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017. ठीक है, तो on 31st December 2017, cash book of firm showed bank balance of 60,000. Debit balance है, cash book में debit balance है, मतलब normal balance, correct है, ये normal balance है। Check had been issued, तो आपको base कौन सा है, bank balance as per cash book, ये base है, correct है, balance as per cash book। आगे, चेक हैड बीन इश्यूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 4 लाख ओनली वे प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 15 लाख के चेक इश्यू किए बट उसमें से सिर्फ 4 लाख के चेक प्रेजेंट हो गए, मतलब चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना अमाउंट है, 11 लाख। ये ठीक से पढ़ना है ना, मतलब वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 15 लाख के जो है वो चेक वहां पर दे दिए, ठीक है, 15 लाख के चेक दे दिए, बट 4 लाख के जो है वो 25 तारीख को आ गए, 3 लाख के जो है 28 तारीख को आ गए, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने क्या समझना है, 31 से पहले आ गए, इसका मतलब क्या हो गया, अब हमने भी एंट्री की और वो क्लियर होके प्रेजेंट होके कहां पे एंट्री आ गई, पासबुक में भी आ गई। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं, तो जो प्रेजेंट नहीं हुए उसका ही प्रॉब्लम है ना, डिफरेंस तो उसी वजह से आ जाएगा। तो यहां पे कितना है, 11 लाख। अभी आप बोलो चेक इश्यू किए मतलब कैशबुक में एंट्री किए, कैशबुक में एंट्री कहां पे की, विड्रॉल मतलब क्रेडिट साइड पे, मतलब बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और बैलेंस कम हो गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है तो डायरेक्टली वहां पे लिख देना ऐड, लिख देना वहां पे ऐड, पहला फिर से बोलो चेक इश्यू किए ना, चेक इश्यू किए तो पहली एंट्री कहां पे हो गई, कैशबुक, कैशबुक में क्या बैलेंस बढ़ाया कम हुआ, कम हुआ, इश्यूड है डिपॉजिटेड नहीं, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट नहीं किया, बैंक के लिए मतलब पेमेंट के लिए इश्यू कर दिए लोगों को, ठीक है। तो बैलेंस कम हो गया, बैलेंस कम हो गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि कैशबुक का ही बेस लेके चल रहे हैं तो बाकी पासबुक का सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर। आगे अगला, चेक वर्थ रुपीज 11,40,000 वेर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 28 दिसंबर 2017 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। 11,40,000 का चेक 28 तारीख को डिपॉजिट तो किया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इन एडिशन टू दिस वन चेक ऑफ 5 लाख और एक चेक है वॉज एंटर्ड इन कैशबुक ऑन 30th December 2017 बट वॉज बैंक्ड ऑन 3rd January। मतलब क्या हो गया, कैशबुक में एंट्री होगी 30th December बट बैंक में एंट्री होगी 3rd January। इसका मतलब क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, मतलब आज डिपॉजिट किया 30 December और क्लियर कब हो गया, 3 तारीख को। तो 31st पे सिचुएशन क्या है, दोनों के लिए क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड और क्लियर, क्लियर। तो इसके लिए क्या कहेंगे, बोलो चेक डिपॉजिट किया तो क्या होता है, कैशबुक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या कहेंगे, लेस कहेंगे, और कितना अमाउंट, कितना अमाउंट, और पहले वाला 11,40,000 पहले वाला दो है ना, इसी में ही दो बताए, एक तो पहला 11,40,000 बताया उन्होंने और प्लस 5 लाख का इन एडिशन टू दैट 5 लाख का बता दिया, तो टोटल दोनों का ही प्रॉब्लम है ना, 16,40,000 अमाउंट भी लिखते हैं ना अब। ऊपर आपने क्या लिखा, पहले के लिए क्या लिखा, नहीं सेकंड के लिए क्या लिखा, 11 लाख अमाउंट लिखा है ना आपने, वो क्या था प्लस या माइनस, वो क्या था सेकंड वाला प्लस, अभी क्या है माइनस। फोर्थ, अ चेक फ्रॉम सुसान
चेक फ्रॉम सुसान, ओके, फॉर रुपीज 4 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 दिसंबर 2017 बट वॉज डिसऑनर्ड एंड द एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 2 जनवरी. चेक डिसऑनर हो गया, चेक डिसऑनर हो गया. एंट्री करके कहां पे रखिए, चेक कहां पे एंट्री करके रखिए ना, कहां पे? कैशबुक. कैशबुक का बैलेंस क्या, पासबुक में एंट्री होगी नहीं, डिसऑनर हो गया ना, तो कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया. तो अभी क्या करेंगे, लेस लेस. अगर यहां पे दिया होता 4 लाख का चेक डिपॉजिट किया 26 जनवरी को और वो चेक 29 जनवरी को क्लियर हो गया तो 26 जनवरी को डिपॉजिट किया, 29 जनवरी को वो क्लियर हो गया तो क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं. क्यों, अरे क्लियर हो गया ना, मतलब डिफरेंस है ही नहीं दो बुक में. क्लियर नहीं होता है तो डिफरेंस है, इस वजह से मैंने बोला था वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ डाल देंगे. क्या डाल देंगे, चेक इज डिपॉजिट ऑन 26 जनवरी बट क्लियर ऑन 29 जनवरी और आप कब बना दो 31 जनवरी मान लो. तो ऐसे केस में 31 जनवरी को आप बना रहे हो तो उस वक्त तो क्लियर हो गया ना चेक, तो कैशबुक में भी एंट्री है और पासबुक में ही है तो डिफरेंस ही नहीं, तो करेक्शन की क्या जरूरत है. क्लियर. आगे फिफ्थ, पासबुक शोड बैंक चार्जेस 2000 डेबिटेड बाय द बैंक. बोलो पासबुक में एंट्री है मतलब कैशबुक में नहीं है, तो कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, कंपेयर ज्यादा दिख रहा है ना, एंट्री नहीं है तो ज्यादा दिख रहा है कंपेयर टू पासबुक. पासबुक में बैलेंस कम दिखाई देगा, बैंक चार्जेस दिख रहा है तो कैशबुक का थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है तो क्या करो, लेस कर दो. वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड अ सम ऑफ रुपीज 5 लाख इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20th December 2017 बट द इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट वॉज रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ऑन 2nd जनवरी 2018. तो क्या हो गया, ये डेटर ने डिपॉजिट किया 5 लाख का कहां पे, बैंक अकाउंट में 20 दिसंबर को बट उसका इंटीमेशन हमें पता चल गया 2 जनवरी को, मतलब डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक. एंट्री कहां पे आ गई, पासबुक. पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया. कैशबुक में एंट्री है क्या, नहीं है. बैलेंस क्या दिखेगा कैशबुक का, कम. तो उसे मैच करने के लिए कैशबुक में ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कैशबुक में. आगे बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,82,000. वो तो ठीक है, वो अभी एड्रेस करके देखो ना सामने, बराबर 60,000 से स्टार्ट करो. आपने 11 लाख पहले एड कुछ लिखा होगा, फटाफट कैलसी पे करके देख लो. आया आंसर 3,82,000 आया क्या फाइनल? है ना, तो उनने बोला ये 3,82,000 है. क्लियर, इसका सिर्फ प्रेजेंटेशन बाकी है, वो प्रेजेंटेशन आप कर लेना. क्लियर, मतलब साल तो किया ही है, सिर्फ लिखना ठीक है. जो हम स्टेटमेंट में लिखते हैं वो स्टेटमेंट में लिखना वहां पे बाकी रह जाएगा, वो भी आप लिखते हो नहीं लिखते हो ये आपकी चॉइस है ठीक है. मतलब सिंपली कहां पे काम होता है, जहां पे सोचना होता है. सोच के हमने आंसर तो ऑलरेडी निकाल दिया, वो सभी सिर्फ अभी नोट डाउन करना है. क्लियर, मैं ऐसा एक होमवर्क देने वाला हूँ कि जो आप खुद सॉल्व करोगे, वो है क्वेश्चन नंबर 4. मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सॉल्व करके लाना. तो यहाँ पे काम है आपको, यहाँ पे आपको सच में कंसेप्ट चेक करने, बाकी ऊपर का तो मैंने बता दिया प्लस माइनस, तो वो फॉर्मेट में लिखना कौन सी बड़ी बात है. चल क्वेश्चन नंबर फाइव. ये क्वेश्चन नंबर 4 एडजस्टमेंट इन कैश बुक है, समझ में आया क्या? कौन सा, वो सेकंड जैसा ठीक है, ट्राई कर लेना पक्का, दिमाग लगा देना क्या होता है वो देख लो, कल आके तो डिस्कस करेंगे. क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. तो पहला क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, पासबुक दिया है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. तो उसमें 10 लाख का दिया है बैंक बैलेंस, बैलेंस है ओवरड्राफ्ट नहीं, अच्छी बात है ठीक है. 10 लाख का बैंक बैलेंस पासबुक है, लेकिन हमें बेस कौन सा लेके चलना है, पासबुक ठीक है. तो चलो बना
बना डालते हैं। चलो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसमें कुछ बताया नहीं आपको कि कैशबुक का करेक्शन करके बताओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना बीआरएस है। ओके तो ठीक है, अगर इस स्टेज पे अगर मैंने ज्यादा भी एक ऐसा होता है मतलब एक प्रॉब्लम के बाद में नए है तो अच्छा लगता है, बट अगर ऑलरेडी पढ़ लिया हो एक लिमिट के बाद में और प्रॉब्लम ले जाए तो इरिटेट हो जाता है कि बस हो गया वही चैप्टर, कितने दिन मैं कितना पकाओगे सर, ठीक है ये वाली फीलिंग वहाँ पे आ जाती है। तो छोटे चैप्टर है तो 2 दिन, ठीक है बड़े चैप्टर है तो जनरली ये चैप्टर सॉल्व या कंप्लीट होने के लिए 4 दिन लगते हैं अगले बैच में, ठीक है तो फास्ट ट्रैक बैच में 2 दिन में हो जाएगा और सभी टाइप के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम लेके, यही पैटर्न लगभग चलने वाला है। ओके और मैंने आपको पहले बोला एडिशनल प्रैक्टिस आप कर लो, क्लियर, एडिशनल प्रैक्टिस घर पे कर लो, वो तो उसमें तो आपकी चॉइस है कितना करना है, करेक्ट है। आगे बोलो, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वॉज पास्ट इन द कैश बुक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया बट कैश किसमें, ये उल्टा है, बैंक में डिपॉजिट किया बट एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है, मतलब देखो समझ आ गया, जनरली उल्टा होता है क्या, कैशबुक में एंट्री होती है और पासबुक में नहीं होगी, ये डिपॉजिट हो गया और लेकिन एंट्री कैशबुक में ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब ये मान के चलना पड़ेगा ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्लियर हो गया होगा। ओके लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं, तो कैशबुक में एंट्री नहीं है तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक का बढ़ गया, पासबुक का बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, लेसी बोला आपने, नॉट एंटर्ड इन कैशबुक, पासबुक का बेस लेके चलना है, पासबुक में तो एंट्री हो गई हुई ना, ठीक है। अगला अगला क्या पॉइंट, हाँ चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, चेक रिसीव हो गए बट बैंक को भेजे नहीं है, तो ऐसे केस में क्या, मतलब कैशबुक में एंट्री है पासबुक में नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस क्या हो गया,
कंपैरिजन में कम दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐड। कितना है? हाँ, 11 लाख। आगे क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम मतलब कैशबुक की कास्ट शॉर्ट, कास्ट मतलब टोटल कम ले ली उसकी। अभी बैंक कॉलम देखो, कैशबुक की टोटल आपने कम ले ली क्रेडिट साइड की, तो क्या होता है, विड्रॉल साइड कम लिखा तो बैलेंस क्या होता है, ज्यादा हो जाता है ना, कैशबुक का ज्यादा हो गया, पासबुक का कम दिखाई देगा, तो पासबुक के हिसाब से चलना है ना, तो क्या करेंगे, ऐड क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक अंडर कास्ट, कितना है, टू थाउजेंड। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस, मतलब डायरेक्टली बैंक ने पे किया तो पासबुक में एंट्री हो गई, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या कहेंगे, ऐड डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, कितना है, 60,000। आगे बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन द कैशबुक, कैशबुक में डबल लिखे गए, मतलब कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, और कंपैरिजन में पासबुक का ज्यादा दिखाई देगा ना, वहां पे तो डबल एंट्री नहीं है, तो पासबुक का ज्यादा दिख रहा है, तो लेस, क्या बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन कैशबुक, कितना है, ऊपर का अमाउंट ही लिखा नहीं मैंने, पहला कितना, 5 लाख था क्या, और दूसरा अभी जो था वो 2000। आगे बोलो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, चेक इश्यू किए तो चेक इश्यू की एंट्री कहां पे हो गई, कैशबुक, कैशबुक का बैलेंस क्या हो गया, कम, पासबुक का कंपैरिजन में ज्यादा, तो क्या करेंगे, लेस, चेक क्या इश्यूड बट नॉट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है, 5 लाख। आगे चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैशबुक, कैशबुक में डबल लिखा गया, कैशबुक में डबल लिखा, चेक रिसीव्ड कैशबुक में डबल लिखा गया, कैशबुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक का कम है, तो क्या कर देंगे, ऐड, कितना है, एंड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, बिल डिस्काउंटेड डिसऑन हो गया, मतलब पहले एंट्री हो गई पासबुक में, डिसऑन हो गया पहले किससे पता चलता है, बैंक को ही ना, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बोलो, हाँ क्या टोटल ले गया, कितना है, 11,000 बैलेंस एज पर कैशबुक, क्लियर,
कोई डाउट? नो? पक्का? चलो बाकी कल देख लेंगे, होमवर्क सॉल्व करके लाना।